नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के बारे में। ऑफिशियली रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S लैवेंडर डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो R11.1 का जो स्टेबल बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड इस रिकवरी के साथ जो है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। मतलब एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ जो है इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ, तो काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर लेटेस्ट ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो बिल्ड है उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके रेबनोट 7, रेबनोट 7S डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल बिल्ड है एंड ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का स्टेबल बिल्ड है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते किस तरह से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा रेबनोट 7 डिवाइस के ऊपर। उसके बाद बात कर लेते क्या क्या फीचर को ऐड किया गया है इस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के R11.1 बिल्ड के साथ। सबसे पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो पहले से कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप चाहो तो TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो पुराना वर्सन है उसके साथ आप नया वाला जो वर्सन उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपके डिवाइस के ऊपर पहले से कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को विदाउट PC इंस्टॉल करने के लिए। एंड अगर आप पहली दफा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल करते हो तो आपको सिंपली PC के साथ जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन, फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके जो है कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। तो जल्दी से यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो R11.1 का जो स्टेबल बिल्ड है ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है। आप सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो करंट रिकवरी का और जो करंट रॉम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस को उसका जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो रिस्टोर भी कर सकते हो। सिंपली कोई भी कस्टम रॉम हो जाए, कोई भी कस्टम रिकवरी हो जाए, उसे इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, तो कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके डिवाइस को उसका जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद ये जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो बिल्ड है इसे आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा। सिंपली इंस्टॉल में जाके रिकवरी को सिलेक्ट करना होगा। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। ये जो रिकवरी है, रिकवरी इंस्टॉल होने में लगभग कुछ ही सेकेंड टाइम लगता है, देख सकते हो। कुछ इस तरह से रिकवरी इंस्टॉल होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइस है पर जो है रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइस है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही इजीली आप जो है पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सेम मेथड के साथ आप जो है पर TWRP रिकवरी के साथ भी श्रम को इस रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर रिकवरी जो है पर बूट हो रहा है, तो रिकवरी जो है पर बूट हो गया है, काफी बढ़िया बात है। ना अभी फिलहाल बात कर लेते हैं जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो 11.1 का जो बिल्ड है, जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो लेटेस्ट बिल्ड है, ऑफिशियल स्टेबल बिल्ड है R11.1 के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ स्टेबल बिल्ड है, ऑफिशियल बिल्ड है। या पर इस रिकवरी के साथ जो है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। बट यहाँ पर एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ जो डिक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ जो डिक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, बट यहाँ पर इनक्रिप्शन का जो सपोर्ट है अवेलेबल नहीं है इस रिकवरी के साथ। बेसिकली यहाँ पर जो है इससे पहले रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 13 के साथ जो पर इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस रिकवरी के साथ फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 10 प्रो, तो कुछ इस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो पर इंटरनल स्टोरेज जो है एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर ये जो रिकवरी इस रिकवरी के साथ आप सिंपली एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ जो है आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाओगे, यानी इंटरनल स्टोरेज के साथ जो पर रॉम को फ्लैश कर पाओगे। बट यहाँ पर इस रिकवरी के साथ जो है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ जो
डिक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, बट इनक्रिप्शन का जो सपोर्ट है अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है उसे इंस्टॉल करने से पहले जो यहाँ पर जो स्किन लॉक है उसे रिमूव करना होगा। स्किन लॉक रिमूव करने के बाद ही यहाँ पर जो है आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाओगे एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 के साथ। प्लस यहाँ पर जो है नया जो कर्नल है उसे फ्लैश कर पाओगे इस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी R11.1 के साथ। जो है पर नया वाला जो कर्नल है उसे भी ऐड किया गया है, नया वाला जो कर्नल का जो सपोर्ट है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस मैजिस का जो लेटेस्ट बिल्ड है वो भी काम कर जाएगा इस कस्टम रिकवरी के साथ, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ। प्लस और कुछ कुछ इंप्रूवमेंट भी देने को मिल जाएगा। एंड ये जो रिकवरी है बेसिकली एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के लिए है। एंड यहाँ पर रिकवरी को फ्लैश करने से पहले जो इंटरनल स्टोरेज है उसका जो बैकअप क्रिएट कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। एंड अगर आप बैकअप को रीस्टोर करते हो तो मेक श्योर आपका जो डिवाइस है आप 2-3 बार रिबूट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको जो डिवाइस है स्मूथ ओवरऑल जो यूआई है देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर नंबर बात कर लेते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस। तो सिंपली इस रिकवरी के साथ जो है ये जो रेडमी नोट 10 प्रो है इस रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ ये जो रिकवरी इस रिकवरी के साथ जो है पर एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 के साथ जो पर इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। बेसिकली हम सिंपली यहाँ पर रिबूट टू रिकवरी करते हैं, तो यहाँ पर रिकवरी रिबूट होने के बाद जो है हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर TWRP रिकवरी के साथ जो स्किन लॉक का जो पासवर्ड है यहाँ पर हमें यहाँ पर जो सिंपली टाइप करना होगा। उसके बाद हमारा जो इंटरनल स्टोरेज जो है हम इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली इस रिकवरी के साथ जो है पर इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। तो आप सिंपली एंड्रॉयड 12 हो जाए एंड्रॉयड 13 हो जाए दोनों के साथ यहाँ पर जो है इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट देने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो है आप सिंपली यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है उसे रिमूव करे बगैर यहाँ पर जो है TWRP रिकवरी से और कस्टम रिकवरी से आप जो है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करके आप जो है कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर एंड्रॉयड 13 एंड एंड्रॉयड 12 के साथ रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है डिक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम सिंपली यहाँ पर रिबूट टू रिकवरी करते हैं तो यहाँ पर जो है रिकवरी जो है रिबूट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर रिबूट टू रिकवरी का जो ऑप्शन है इसे रैप करते हैं, तो रिबूट टू रिकवरी का जो ऑप्शन है इसे रैप करने के बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो रिकवरी है उसके ऊपर बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिकवरी तो बूट हो जाता है जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर एक्चुअली हमने कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन था इसे हमने रिमूव किया था। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो यहाँ पर जो रिकवरी यहाँ पर बूट हो रहा है, यहाँ पर इस रिकवरी के साथ जो पर डिक्रिप्शन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर हम सिंपली इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज के साथ जो पर रॉम को फ्लैश कर पा रहे, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर सिंपली आपको मैं देखना चाहूंगा सिंपली रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करते हैं। एंड यहाँ पर भी सिंपली रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें भी टैप करते हैं रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों जो डिवाइस यहाँ पर बूट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है यहाँ पर जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर रिमूव किया है, जो स्किन लॉक प्लस फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर रिमूव किया है। बट यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है हमने यहाँ पर स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव नहीं किया है। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, प्लस स्किन लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिंपली अगर बात करें यहाँ पर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर अगर आप इंक्रिप्शन की अगर बात करें तो अगर आपके डिवाइस के साथ कस्टम रिकवरी के साथ अगर इंक्रिप्शन का सपोर्ट है तो सिंपली यहाँ पर जो है स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करे बगैर डायरेक्टली कस्टम रिकवरी को बूट करके आप जो है पर जो स्किन लॉक का जो पासवर्ड है उसे टाइप करने के बाद जो पर इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन के साथ आपको अलग से यहाँ पर जो है स्किन लॉक का जो ऑप्शन है उसे रिमूव नहीं करना होगा। तो पर डिक्रिप्शन के साथ जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 12 हो जाए एंड्रॉयड 13 हो जाए जब भी आप जो है पर कस्टम रिकवरी को बूट करोगे आपके यहाँ पर स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। स्किन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करने के बाद आप जब कस्टम रिकवरी को बूट करोगे, कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सिंपली इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 के साथ। यहाँ पर जो इंक्रिप्शन वाला कस्टम रिकवरी रहेगा उसमें आपको स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन से रिमूव नहीं करना होगा, एंड जो डिक्रिप्शन वाला कस्टम रिकवरी रहेगा उसमें आपको स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन से उसे रिमूव करना होगा। अगर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन से उसे रिमूव नहीं करते हो तो आप जो इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन से इसे टाइप करते हैं, ठीक है। स्क्रीन लॉक का हम सिंपली एनेबल करते हैं, तो यहाँ पर
रेबोनॉट 7 डिवाइस को हमने स्किन लॉक का जो है पर सिलेक्ट किया है, तो सिंपली स्किन लॉक जो हमने यहाँ पर ऐड किया है। नाउ यहाँ पर सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करते, देखते किस तरह से कस्टम रिकवरी के साथ जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन से काम करते हैं सिंपली यहाँ पर जो है। एंड यहाँ पर हमने जो है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस पर जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन से यहाँ पर भी एनेबल है सिलेक्ट किया है, तो सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को यहाँ पर भी ओपन करते, तो यहाँ पर हमने रिबूट टू रिकवरी का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर दोनों रिकवरी जो बूट हो गया है देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रेबोनॉट 7 डिवाइस पर जो रिकवरी है इसमें जो है पर इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट देने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पहली दफा जब हमने दिखाया था, जब हमने यहाँ पर इस डिवाइस पर जो रिकवरी को बूट किया था और रिबूट किया था, तब जो है पर जो इंक्रिप्शन जो है देने को नहीं मिल रहा था। तो अभी फिलहाल जो है पर अगर हम सिंपली पासवर्ड को टाइप करने के बाद जो सिलेक्ट करते हैं, तो इस बार जो है पर जो रिकवरी है उसके पर बूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर जो टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हमने जो है रेबोनॉट 10 प्रो डिवाइस पर जो TWR पर रिकवरी है इसमें जो है पर इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट देने को मिलता है। सिंपली यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रिकवरी जो है पर बूट हो जाएगा, बट यहाँ पर सेम रेडमी नोट 7 डिवाइस पर जो पासवर्ड टाइप करने के बाद जो रिकवरी जो है पर बूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस पर ये जो रिकवरी रिकवरी के साथ जब भी आपका जो डिवाइस अब कस्टम रिकवरी को बूट करते हो, आपको उससे पहले जो स्किन लॉक का जो ऑप्शन है उसे रिमूव करना होगा। अगर आप स्किन लॉक को रिमूव नहीं करोगे तो यहाँ पर जो है इंटरनल स्टोरेज के साथ आप जो है कस्टम रोम को फ्लैश नहीं कर सकते, इंटरनल स्टोरेज को आप जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है रेबोनॉट 7 डिवाइस के ऊपर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा एंड रेबोनॉट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जगह अलग अलग कस्टमर का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।